हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और अब हम लोग निकले हैं आज बद्रीनाथ के लिए। पहले हम जाएंगे ऋषिकेश, उसके बाद मॉर्निंग में पहुंचेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो लगभग पूरा साल हो गया जब मैं बद्रीनाथ गई थी। उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं अक्टूबर में, लास्ट सितंबर में गई थी मैं, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं और आज बड़ा वाला बेटा नहीं है हमारे साथ में, वो अपने बाबा जी के यहाँ गया है। आदि ये रहा पीछे, हेलो फ्रेंड्स, उसके पापा ड्राइव कर रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं और आप लोगों से अब रास्ते में मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों, रात के बज रहे हैं 2:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अभी हम हैं हर की पौड़ी पे और अंधेरा है तो कुछ पता भी नहीं चलेगा अभी ऐसे में। और ये रही गंगा जी इधर से, अब ये हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए पर्दा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगर दिखाई देता है तो। ये रही गंगा जी, ये रहा ओम जो कि रात में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आगे जाके भोले की तस्वीर भी आएगी, बहुत बड़ी मूर्ति, देखते हैं दिखती है या नहीं दिखती है। आई या गई? अभी आई, शायद आपको दिखाई दे भी रहा होगा ऊपर, वो ऊपर बहुत दूर जो दिखाई दे रही है लाइटें, वो है माँ मनसा देवी का। जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जय माँ मनसा देवी। गंगा माँ हमारी, पानी का बहाव बहुत तेज है। और ये है हमारे भोले बाबा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अब रात का बज रहा है 2:45। तो चलिए अभी कहीं अगर कोई अच्छा सा होटल या रेस्टोरेंट टाइप मिलता है तो थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, 1 घंटा रुक के चाय वाय पियेंगे, उसके बाद आगे बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। अदरवाइज तो चल ही रहे हैं हम, अभी तो रुके नहीं है कहीं। आधी पीछे सो रहा है आराम से, देखते हैं कब तक कोई स्टे करने के लिए जगह अच्छी सी मिलती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल सब बंद दिखाई दे रहा है चारों तरफ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी हमने क्रॉस किया है देवप्रयाग। तो यहाँ का वेदर कुछ इस तरीके से है, टोटल बादल और फॉगी हो रहा है। मैं अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों वीडियो, कितना बढ़िया मौसम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं धारी देवी मंदिर और ये है पानी के बीच में वो ना मेरे पीछे मंदिर, वो मैं आप लोगों को नीचे चल के दिखाऊंगी। और अब भी बहुत ज़्यादा उतराई है। आदि और आदि के पापा आगे हैं और ठंड इतनी है कि आदि ने भी जैकेट, आदि के पापा ने भी जैकेट पहन रखी है और मेरी तो जैकेट अभी अंदर रखी है तो मैंने निकाली नहीं है फिलहाल, मुझे इतनी ठंड भी नहीं लगी अभी। चलिए नीचे मंदिर में जाके दर्शन कराते हैं माता रानी के आपको। ये अलकनंदा रिवर है, क्या है ये? ये रेत है बेटा और ये है मंदिर।
धारी देवी मंदिर जो कि पानी के बीचों बीच बना हुआ है और ऊपर कूद रहे मंदिर। अगर ज्यादा पानी आ गया तो ये ऐसे ही रहता है बेटा, ये आज तक नहीं कुछ हुआ इस मंदिर को। चलो तो फ्रेंड्स अभी हम है कर्णप्रयाग में और यहाँ पे होता है दो नदियों का संगम, एक है अलकनंदा नदी और दूसरी नदी का नाम मुझे पता नहीं है, शायद मंदाकिनी है या क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो अब आगे जाके पता चलेगा। अलकनंदा का पानी मटमैला है और जो दूसरी रिवर है उसका पानी ग्रीन कलर का है, ग्रीन में है, जो कि आगे आके अलकनंदा में मिलके फिर मटमैला ही हो जाता है। ये देखिए ये इस तरीके से निकलेगी नहीं क्या। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं, और अब हमें थोड़ा सा जाम मिल, ये मटमैला रंग इसमें मिल के नहीं रहा। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं नंदप्रयाग में और यहाँ से बर्फ़ के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो वहाँ सामने आप देखेंगे वो बादलों के नीचे और इन वाले पहाड़ों के पीछे। तो यहाँ दो दिन पहले बहुत अच्छी बर्फ़बारी हुई है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें और पहाड़ देखने को मिलेंगे, हम भी देखेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये है जगह गुलाब कोटी और यहाँ टोटल ऑफ रोडिंग है, सारी ऑफ रोडिंग है, और पीछे भी अभी पीपल कोटी गई है, उसके बाद पाताल गंगा गई है, टोटल ऑफ रोडिंग थी। अब कुछ पोर्शन ठीक आता है उसके बाद कुछ फिर वैसे ही आ जाता है ऑफ रोडिंग। तो कुल मिला के अभी हमारा जो रास्ता रह गया है वो 2 घंटे का रह गया है 57 किलोमीटर का। चलिए देखते हैं अब ये 2 घंटे में पूरा होता है या ज़्यादा टाइम लगता है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ और मंदिर से 1 मिनट की दूरी पे हैं अभी हम लोग, और ऊपर पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रही है। भैया होटल देवलोक किधर पड़ेगा? बिल्कुल ताजी इधर को जाना पड़ेगा, इधर को। चलिए चलते हैं और देखते हैं और करते हैं बाबा के दर्शन, जितना हो सकेगा आपको भी दर्शन कराएंगे अपने साथ में। सब मंदिर से आ रहे हैं। हाँ हम भी पहले मंदिर ही दर्शन करेंगे। नहाना धोना नहीं है? अरे हम तो ऐसे दर्शन करेंगे बाबा के। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और अभी हमने स्टे कर लिया है और कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है, ये बर्फ बर्फ है चारों तरफ। मंदिर हमारा सामने की तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी पहले मंदिर चलते हैं क्योंकि मंदिर बिल्कुल खाली है, उसके बाद देखेंगे टाइम बचता है तो माना गाँव जाएंगे, नहीं अदरवाइज माना गाँव कल सुबह जाएंगे और उसके बाद बैक टू पवेलियन। यो और ठंड इतनी है कि हालत खराब है, ग्लव्स लाना भूल गए। तो अब पहले ग्लव्स लेंगे और फिर मंदिर चलेंगे। मंदिर चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर और हमने दर्शन भी कर लिए हैं, और ये रहा पीछे बद्रीनाथ टेंपल, ये किस तरीके दर्शन हमने कर लिए और दर्शन इतने अच्छे हुए कि हमने बिल्कुल अंदर से दर्शन किए और तीन बार दर्शन किए अंदर जाके, गए फिर बाहर निकले, गए बाहर निकले और गए फिर बाहर निकले, और दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो इसी बात पे बोलो जय बद्री निशा। तो ये है हमारे बाबा का धाम, उसको बोलते हैं जय बद्री धाम। दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया, फोटो भी हो गई आदि की हो रही है। अब हालत खराब इसका बच गया, क्या हो गया? तो चलिए एक बार जोर से बोलिए जय बद्री विशाल। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में और अब इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करेंगे, और एंड करने से पहले एक बार आपको बाबा बद्री के दर्शन करा देती हूँ क्योंकि रात में मंदिर में कलरफुल लाइट्स जलती हैं, आदि की वजह से हमें जल्दी आना पड़ गया मंदिर से, और मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो ये है मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। अभी हो रही है येलो और ग्रीन लाइट, ये देखिए
ये ब्लू लाइट है अभी, जैसे मथुरा वृंदावन में प्रेम मंदिर की लाइट चेंज होती है उसी तरीके से यहाँ भी ये कलरफुल सात रंग के तरीके की लाइट जलती है रात में। अभी ये ऑरेंज लाइट है और नीचे बह रही है नदी जिसकी आवाज बहुत तेज है, पता नहीं रात को दिखाई देगी या नहीं देगी, दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, तो चलिए मंदिर का दर्शन करते हुए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। अब आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी माना गाँव के साथ। कल जाएंगे हम लोग सुबह माना गाँव, माना गाँव आप लोगों को भी घुमाएंगे अपने साथ, मैंने घुमा हुआ है, हस्बैंड जाएंगे और आदि जाएगा, इन लोगों को घुमा के और कल ही हम घर के लिए वापस हो लेंगे क्योंकि वहाँ पे अभी भी अकेला है। तो चलिए कल आप लोगों से सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।